रांची लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे जयराम महतो की पार्टी JBKSS से उम्मीदवार देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने रांची समाहरणालय से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें देवेंद्रनाथ महतो JBKSS पार्टी से रांची लोकसभा सीट के उम्मीदवार है और वे आज लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने DC ऑफिस पहुंचे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने लालपुर के कांड में वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया है। रांची लोकसभा सीट से JBKSS प्रत्याशी देवेंद्रनाथ महतो को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट में देवेंद्रनाथ महतो को पेश किया गया। वहीं कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। भाजपा और कांग्रेस डर से हार गई है, इसीलिए हमको गिरफ्तार करके जो है कि नॉमिनेशन करने नहीं दे रही है। यह लोकतंत्र का हत्या है। और मैं कह देना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस को कि आप देवेंद्रनाथ महतो को गिरफ्तार करके आप मुझे दबा नहीं सकते। जो लड़ाई मेरा खतियान का है, झारखंडी भाषा खतिया संघर्ष समिति का जो यहाँ का रीति रिवाज परंपरा का जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो यहाँ के माँ चाची दादी नानी लोग जो आशीर्वाद दिया है अपने आश्रम से, उसको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। हम रोज रेडियो से हम घूम रहे हैं, हमको पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हमको रेडियो से हम रोज घूम रहे हैं। अब इस तरह से नहीं कर सकते। बिरसा मुंडा मर रहे हैं। और कांग्रेस से अत्याचार कर रही है। लोकतंत्र में इतना कोई गिरेगा ये सोचे नहीं थे। हमको DC ऑफिस सेकंड फ्लोर जहाँ से नामांकन होता है वहाँ हम घुसे थे, वहाँ से हमको निकाला जा रहा है। ये दुर्भाग्य क्या लोकतंत्र का है। अरे जेल से हम नहीं डरते हैं। जो जेल आज हम जा रहे हैं वो जेल बिरसा मुंडा भगत। 12 बजे करीब यहाँ आ चुके थे। यहाँ आने के पूर्व भी हम लोग जैसे एंट्री करना चाह रहे थे उसी समय SSP साहब आए, गिरफ्तारी किए। हम लोग ने निवेदन भी किया कि भाई हम लोग तो अरेस्ट देने के लिए तैयार भी है, नॉमिनेशन करने दी जाए। उसके बाद हम लोग मतलब श्रद्धा से मतलब इंटेंस पॉजिटिव सोच के साथ आए थे कि हम लोग अरेस्ट करना है तो हम लोग भागेंगे नहीं, एकदम हटवार से आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने बात को माना ही नहीं, बोलता था कि नहीं पहले आपको अरेस्ट करेंगे, तब इनको अरेस्ट किया। हम लोग बहुत बोले कि हम लोग तो उस तरह का अपराधी नहीं है, कि हम लोग रेपिस्ट नहीं हैं, देशद्रोह नहीं है। हम 353 का ही मामला था और 353 हम लोग जो भी किए थे शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था के तहत ही किए थे, कोई भी विधि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं था। 353 ऑल सेक्शन अवेलेबल। 353 में यही होता है कि आपराधिक बल और हमला का प्रयोग होता है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी के बाद कोई सा हमला यदि होता तो यदि पुलिस के साथ हमला तो वेरी सेम डे हमको अरेस्ट होता, 2021 में ही अरेस्ट होता। लेकिन 2021 से आज 2024 के बीच का जो ये टर्म है, 3 साल का टर्म, हमको भी 2024 में NBW इश्यू हुआ तो इनको जानकारी नहीं था। उसके बाद सो मेनी केसेस इसके अगेंस्ट में हम जब अभी स्टडी किए, 11 केसेस आए। 11 केसेस में नामकुम बोंडो और इस सब में बेल हो चुकी, एंटीसेप्टिक यही जो हम लोग का सिविल कोर्ट से ही एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुकी है। इसका भी हम लोग प्रक्रिया में थे और 2-4 दिन रुकते तो हम लोग इसमें भी बेल ग्रांट हो ही जाता है। इसमें उस तरह का हीनियस ऑफेंस नहीं है, बेलेबल सेक्शन का नेचर है, ऑफेंस नहीं है। कुछ बात में प्रिज्यूम किया जा सकता है कि यदि 353 बाबा पुलिस को मारते, पब्लिक सर्वेंट को मारते तो आपको तो राइट है उसी समय गिरफ्तारी करने का। आप ये 3 साल कहाँ थे? एक उन्होंने इलेक्शन आता है तो गिरफ्तार करते। कोर्ट से भी कहा गया और वहाँ से भी जो ADM साहब हैं बोला कि आइए आप लोग जो, और यहाँ का प्रोविजन भी आए कि यदि जो आवेदक को यदि गिरफ्तारी किया जाता है तो 4 जो प्रस्तावक होते हैं आके अंदर आके आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, ये रूल है। रूल के तहत हम लोग प्रवेश किए, नॉमिनेशन भी हो गया और अभी और एक प्रोविजन बचाव के जेल से ही उसको ओथ लेना है। वो वाला ओथ सर्टिफिकेट हम लोग भेजेंगे और यहाँ डालेंगे 6 तारीख तक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।